अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी अबीका काशिफ खान, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर आपको रबिया के किचन में और रमजान स्पेशल व्लॉग में वेलकम करती हूँ। आज 18th रोजा है, दो दिन बाद 19 और 20 रोजे हो जाएंगे, तो मतलब दूसरा अशरा भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर तीसरा अशरा स्टार्ट होगा और तीसरे अशरे के बाद रमजान खत्म। ओह माय गॉड, टाइम बहुत जल्दी गुजर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा है, जो टाइम मैं आप लोगों के साथ स्पेंड कर रही हूँ, जितनी मैं मेहनत कर रही हूँ आप सब के लिए, और मुझे यकीन है कि मेरे फैंस भी बहुत ज्यादा खुश हो रहे होंगे, बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे होंगे, इसी तरह से बहुत सारा प्यार दिखाते रहे। इंशाल्लाह मैं आप लोग के लिए बहुत सारी वीडियोस लाती रहूंगी। तो आज ये इफ्तारी का ब्लॉग है, तो इफ्तारी में क्या बनने वाला है। वैसे तो मैंने आप लोगों को बताया था कि किचन वाले जो भी ब्लॉग होंगे उसका नाम मैं रखूंगी रबिका का किचन। तो रबिका की किचन में आप सबको वेलकम करती हूँ, तालियां बजा लो थोड़ी सी। तो आज किचन में क्या बनने वाला है रबिका, आप बताएंगी? मैं बताऊंगी यार, किचन में जाके बताऊंगी, चलो किचन में चलते। तो किचन में हम आ चुके हैं, हम आ चुके हैं, पहले मैं अकेली थी, अब मामा भी आ चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। रबिका के किचन में आपको मैं वेलकम करती हूँ। थैंक यू रबिका, आपने मुझे किचन में इनवाइट किया। अस्सलाम वालेकुम आप सबको, 18 रोजा बहुत बहुत मुबारक हो भाई। ओह माय गॉड, 18 रोजा भी हो गया उमा। 18 रोजा यार, इतनी जल्दी रोजे गुजर रहे हैं, और भी मैं सोच रही इतने सारे काम है वो भी निपटाने हैं। काम छोड़े लेकिन रोजे बहुत जल्दी गुजर रहे। रोजे भी तो वो काम के साथ साथ इबादत करते करते, तो रोजे जल्दी गुजरेंगे ना। ऐसा लग रहा है कल फर्स्ट रोजा था मम्मा, और कल हमने सारी तैयारियां की थी इफ्तारी की और सहरी की, देखते देखते 18th रोजे हो चुके हैं। मतलब कांट बिलीव गाइस, एंड आई नो आप लोग भी बिलीव नहीं कर रहे होंगे, बहुत मुश्किल है बिलीव करना। खैर इफ्तारी बन रही है, आज इस वीडियो में क्या बन रहा है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मैं बनाऊंगी पोटैटो स्किन और मलाई बोटी। एग्जैक्टली मलाई बोटी, लोग बड़ी ख्वाहिश कर रहे थे कि प्लीज मलाई बोटी बनाए, होम मेड मलाई बोटी। मोस्टली बाहर बहुत ही चंद रेस्टोरेंट है जहाँ पे अच्छी मलाई बोटी मिलती है, मैंने हर जगह की खाई भी है, लेकिन बहुत चंद बहुत सिलेक्टिव है जिसकी मुझे ज्यादा पसंद है। लोग बोलते हैं कि हम उस तरह की सॉफ्ट मलाई बोटी, मजेदार क्रीमी वाली मलाई बोटी कैसे खा सकते हैं, घर में तो पॉसिबल ही नहीं है। भाई हर चीज पॉसिबल है, अगर आप चाहो तो हर चीज हो सकती है, लेकिन आज मैं आप लोगों को मलाई बोटी का एक तरीकेकार बताऊं किस तरह से बनती है और कैसा बाजार वाला टेस्ट आता है। बिल्कुल सॉफ्ट मजेदार क्रीमी, ओ माय गॉड। जब मैं बनाऊंगी तब आप लोगों को बताऊंगी, रेसिपी बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे मेरे पास पोटैटो स्किन्स के लिए, मैंने पोटैटोस को बॉईल ज्यादा नहीं किया है बिकॉज हमें इसकी स्किन नहीं उतारनी है। मैंने इसको बहुत कम बॉईल किया है, इतना बॉईल किया है कि मैं इसको अगर बीच से काटू तो बीच से आलू मैं निकाल सकूं, तो वो इतना ज्यादा सॉफ्ट ना हुआ हुआ हो कि वो आलू बिखर जाए। अच्छा ठीक है, बॉईल में तो ज्यादा हम बॉईल करते हैं तो उसका वो पील करते हैं। बिल्कुल, बट इसका मैंने ज्यादा नहीं किया है। यहाँ पे मेरे पास क्यूब में चिकन जो है वो कटी हुई है, यहाँ पे छोटी चिकन के क्यूब कटे हुए हैं बिकॉज हमें पोटैटो स्किन के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे मेरे पास पिज्जा चीज है जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्रीम है, यहाँ पे पेस्ट है जो कि बना के रखा हुआ था, लहसुन अदरक का पेस्ट है, दही है और सारे मसाले हैं। मैं आप लोगों को सारे मसालों का बताती हूँ जो कि हमारी मलाई बोटी में एक्चुअली यूज होंगे। पहले मलाई बोटी का मसाला बनाऊंगे, फिर उसके बाद हम पोटैटो स्किन बनाएंगे। सबसे पहले मैं एक बाउल में चिकन की बोटियां ऐड कर रही हूँ, इससे छोटे साइज में टूटने का खतरा होता है, तो इतने ही साइज की आप बोटियां कट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास दही है, दही मैं ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास सारे मसाले जिसका मैंने आप लोगों को नाम बता दिया है वो सारे ऐड कर रही हूँ। ये मेरे पास ग्रीन चिल्ली पेस्ट है, एक स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा लेमन जूस, जूस मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं इसको मिक्स करूंगी, सारे मसालों को मैंने चिकन में अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। यहाँ मेरे पास क्रीम है, मैं क्रीम ऐड कर रही हूँ कि क्रीम के बगैर अधूरी है मलाई बोटी। क्रीम से तो वो वाइट वाइट और सॉफ्ट सी बनती है, मजेदार सी मलाई बोटी। इनको भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मामा इसको मैं 15 मिनट्स के लिए, आप चाहें तो आधा घंटे के लिए भी रख सकते हैं, मेरे पास टाइम जो है वो शॉर्ट है, तो अभी मैं 15 मिनट्स के लिए इसको रेफ्रिजरेटर में रख रही हूँ। तो मलाई बोटी को जब तक 15 मिनट्स हो रहे हैं, यहाँ पर मैं आप लोगों को पोटैटो स्किन के बारे में बता देती हूँ। पैन में मैंने ऑयल को स्प्रेड किया है, यहाँ मेरे पास एक बड़ा एक छोटा आलू है जो मुझे मिले, मैंने वो रख लिए। मैं इसको सेंटर से कट करूंगी, जो इसके अंदर आलू भरा हुआ है ना, ये आलू हमें बेसिकली निकालना है। वो कैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पे मैंने छुरी ली है,
उसको मैं बीच से ऐसे आलू को शेप बना रही हूँ स्पून की मदद से। इस तरह से मैंने आलू को निकाला। माँ देख रही, मैंने इसको इतना बॉईल किया है कि आलू भी आराम से निकल जाए और टूटे भी नहीं। अच्छा, तो ये जो आलू बचते हैं इनका क्या होता है? इसको मैं सॉस में डालूंगा और इसी पे स्प्रेड करूंगा। अच्छा, चिकन के साथ। नॉर्मली जो लोग नहीं करना चाहते अगर सॉस में डाल के आलू को स्प्रेड, तो वो चाहे तो मैश पोटैटोस बना सकते हैं। यहाँ पर रबीका ने मुझे बोला है मम्मा बारीक बारीक शिमला मिर्च काट दें, तो मैं उसको बारीक बारीक काटने की कोशिश में लगी हुई हूँ कि मुझसे हमेशा शिमला मिर्च मोटी मोटी कटती है, मगर आज मैं बारीक बारीक काट रही हूँ लंबाई में। सो यहाँ पे मैंने पोटैटोस को अंदर से निकाल दिया है, आप लोग देख सकते हैं कि पूरा बोल भर गया, इतने सारे इसमें से निकाला है मैंने, और ये इस तरह से इसकी कुछ शक्ल नजर आ रही है। छोटे आलू भी मेरे पास, बड़े आलू भी हैं, तो प्लीज इग्नोर द साइज। हर टेस्ट में अच्छा होना चाहिए, हर तरह के बन जाते हैं जी। एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए मम्मा ज्यादातर छोटे बच्चे जो होते हैं उनसे ज्यादा खाया नहीं जाता, तो उनको फिर हम छोटा थमा देंगे, बाकी बड़ा जो खाना चाहते हैं बड़ा खा लेंगे। खैर, अब मैं जा रही हूँ चिकन को फ्राई करने। यहाँ मेरे पास मैदा है, वो मैं ऐड कर रही हूँ। नाउ आई एम एडिंग मिल्क। हाँ, मैं ऐड कर रही हूँ चुटकी भर नमक, काली मिर्चे। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मैंने बड़ा पैन इसलिए लिया है ताकि जो हमारे मैश पोटैटोज हैं वो अच्छे से सॉस में हमारे मिक्स हो जाएं। थोड़ी सी मैं शक्कर ऐड कर रही हूँ, मतलब चीनी, शुगर। अब मैं इसमें ऐड करूंगी मेयो, चिली केचप भी ऐड करूंगी। वो मैंने मेयो क्यों ऐड किया, आपको कोई कंफ्यूजन हो रही होगी, तो मैंने इसलिए ऐड किया है ताकि ये जो हमारे पोटैटोज हैं मतलब मैश वाले पोटैटोज, ये सॉसी सॉसी बने और हमें सॉस बनाने की जरूरत ना पड़े, यही सॉस में यूटिलाइज हो जाए, बाकी जो चिकन है उसको मैं स्पाइसी बना के अलग बना लूँ। इसीलिए थोड़े से मैं रेड चिल्ली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। अब ऐड करूँगी थोड़ा सा चिल्ली सॉस। मैं ऐड करूँगी चिल्ली सॉस बिल्कुल थोड़ा सा। अब हमने सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया, हमारा सॉस तकरीबन तैयार है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी मैश पोटैटोज। यहाँ पे जो मेरे पास मैश पोटैटोज जिनको मैंने मैश किया था वो मैं ऐड करने जा रही हूँ। सारे सॉस में मैंने मैश पोटैटोज को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है हल्के हाथ से, और ये आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा सॉस बन गया, कितना थिक। सो ये ऐड होगा हमारे पोटैटो स्किन्स में। यहाँ मैंने सॉस बना लिया है, सिर्फ चिकन रह गई है। फिर मुझे याद आया कि मलाई बोटी भी तो मैं बना रही थी, तो मलाई बोटी को भी 15 से ज्यादा मिनट्स हो चुके हैं। ये आप लोग देख सकते हैं कितना क्रीमी क्रीमी हो गया, मतलब पहले थोड़ा पानी पानी था तो ये थोड़ा एडजस्ट हो चुका है। ओके, सो ये मेरे पास बारबेक्यू स्टिक्स हैं, इसमें मैं पिरोऊंगी बोटियों को। बिल्कुल करीब करीब लगाऊं या दूर दूर? मतलब नॉर्मल, ज्यादा करीब भी नहीं ज्यादा दूर भी नहीं। एक स्टिक में आई थिंक 5 इनफ है। जितनी भी हमारी बोटियां हैं उन सबको हम बारबेक्यू स्टिक में पिरो देंगे। कैसी लग रही है, वाइट वाइट क्रीमी क्रीमी। मजेदार। अब जब बनेगी तो उसका टेस्ट चेक करेंगे। देखने में इतनी अच्छी लग रही है शक्ल से तो। एक बारबेक्यू स्टिक में हमने 5 बोटीज पिरोई हैं। मम्मा आपने देखा बारबेक्यू, जब बारबेक्यू पार्टीज होती हैं जैसे बकरा ईद पर, तो लड़के कर रहे होते हैं सीखों में पिरो रहे होते। हाँ, वो भी एक मुश्किल काम है, पता है। ये मैं सोचेगा मैं सीखों में भी आपको पिरो के दूं? नहीं, वो तो भाई वो तो हाथ में चुभ जाती है, वो तो बहुत मुश्किल काम है। ये हमने अच्छे से पिरो दी बारबेक्यू स्टिक्स में। चिकन के लिए सबसे पहले मैंने ऑयल ऐड किया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। ये जो मेरे पास चिकन क्यूब में कटी हुई है वो मैं अब ऐड कर रही हूँ। मैं सारे मसाले ऐड करूंगी, सबसे पहले काली मिर्चें, थोड़ी सी हमें ये चिकन स्पाइसी बनानी है तो इसीलिए रेड चिल्ली फ्लेक्स, नमक। हाँ, मेरे पास है रेड चिल्ली पाउडर। ये सारे मसाले ऐड होने के बाद हमारी चिकन जो है वो बिल्कुल तैयार है। पोटैटो स्किन की चिकन भी बन चुकी है, सॉस भी तैयार है, जस्ट उसके अब असेंबलिंग बाकी है। ये जो मैंने मलाई बोटी बारबेक्यू स्टिक्स में पिरोई थी, अब मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ। वी डोंट हैव मच टाइम, हमें क्विक क्विक करना होगा। यहाँ पे मलाई बोटी 3 जो है वो बहुत अच्छे से पक चुकी है, बाकी जो है वो फ्राई हो रही है। मैंने यहाँ पे कोयला रखा है, तो कोयला भी हमारा तकरीबन गर्म हो गया है, तो कोयले का मैं थोड़ा सा धुआं दूंगी। गरम कोयले में आपने ऐसे
बाकी की मलाई बोटियां हमारी हो रही हैं, तो मैंने सोचा कि ये पोटैटो स्किन की मैं असेंबलिंग कर लेती हूँ। मम्मा थोड़ा सा क्रीमी मायो आप सब में लगा दें जी, थोड़ा थोड़ा लगा दें। अब मैं ये हमारी मैश पोटैटो स्प्रेड करूंगी। मैश पोटैटोज मैंने स्प्रेड कर दिए हैं, अब मैं चीज स्प्रेड करूंगी। ये तो बड़े यमी से, क्या नाम है इसका? ये है पोटैटो स्किन्स। इसमें मेहनत तो बहुत ज्यादा है, मगर ये के बड़े लजीज बनने वाले हैं भाई। ये होते बहुत मजेदार है, बच्चे अक्सर पसंद करते हैं। आपने देखा मही बोलता रहता है, वो जो कहाँ गए थे हम, तो मही ने बहुत शौक से खाए थे। हम गए थे पिज्जा खाने ब्रॉडवे, हर चीज रवि का घर में कितनी आसानी कर रही है ना आप लोगों के लिए, हर चीज घर में बना के ट्राई करके आप लोगों को बता रही है, ताकि आप लोगों को बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े, खर्चा करवाए नहीं, खर्चा ही ना करवाए, घर में थोड़ी सी मेहनत करें और हर चीज लजीज बना ले। मैं लगा दूं। अब आपने चिकन का एक एक टुकड़ा सबको लगा दिया, एक एक नहीं मतलब अपने लिहाज से थोड़ी थोड़ी चिकन मामा ने लगा दी। अब मैं शिमला मिर्च लगा रही हूँ, साथ ही साथ ऑलिव्स लगा दें। तो ये तो कलरफुल सा लगेगा भाई, बहुत क्यूट लगेंगे। अभी आप देखिएगा जब ये बेक होगा ना तो बहुत क्यूट लगेगा। चीज भी लग चुकी है, ऑलिव्स भी लग चुके हैं और कैप्सिकम भी लग गई है। अब मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा ऑरिगेनो। शक्ल देखिए आप कितनी यमी सी आ रही है, अब जब ये इसको हम बेक करेंगे तो ये बहुत ही लजीज बनने वाला है। बेक से मुराद क्योंकि हमारे बेक आलू थे ना मामा, चिकन भी हमारी बनी हुई है, जस्ट हमें चीज को पिघालना अच्छा, है। अच्छा, ये थोड़ी देर के लिए बस इसको हम गरम पे एक तरीके से रख देंगे। थोड़े से रेड चिल्ली फ्लेक्स, दूसरा पिज्जा है मम्मा, ये पिज्जा जितनी मेहनत है, यमी यमी से चीजी वाले कटलेट्स नुमा लग रहे हैं। अब मैं इसको गरम पे रख रही हूँ। जब ये तैयार हो जाएंगे फिर आप लोग से मुलाकात करते हैं। सो ये हमारी मलाई बोटी डिश आउट हो चुकी है और पोटैटो स्किन डिश आउट हो चुके हैं। दोनों ही चीजें बहुत लजीज लग रही हैं, आप लोग देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है। एग्जैक्टली मतलब वाओ यार, क्या ही बात है। मुझे यकीन है मामा कि मलाई बोटी खाने में भी बहुत मजे की होगी, बहुत मजे की होगी और मैं टेस्टी होगी भाई, बहुत यम्मी है। देखो ना कितनी खूबसूरत लग रही है भाई। एग्जैक्टली और मैं आपको निकाल के इसमें से एक दिखाऊं बोटी कि ये कितनी सॉफ्ट बनी, ये देख सकते हैं आप, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत मजे की बनी, क्योंकि हमें जूसी जूसी मलाई बूटी बहुत अच्छी लगती है, सूखी सूखी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। आज की हमारी इफ्तारी बिल्कुल तैयार है, पोटैटो स्किन्स और मलाई बूटी। बहुत ही लजीज दोनों चीजें बनी है। आप शक्ल देखे मां कितनी खूबसूरत निकल के आई है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, आपकी मेहनत का कमाल है। ओह माय गॉड, आपने बड़ी हेल्प की है और इतनी ज्यादा मजेदार चीजें हमें भी खाने को मिलती है। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, घर वालों के तो बड़े मजे, इनको मजे मजे की रोज इफ्तार में चीजें मिल रही होती है, चीजें मिलती है, सब इंतजार में होते हैं जल्दी से आप ही और मम्मा जल्दी से बनाए और टेबल सजाए और हम लोग खाएं, और इफ्तारी का टाइम हो जल्दी से तो हम लोग खाएं। बाकी हम आप देख सकते हैं मलाई बूटी कितनी सॉफ्ट सी लग रही है, और यही असल चीज होती है कि बस मलाई बूटी खाने में जूसी होनी चाहिए, सूखी मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। एडिशन मैंने इसके ऊपर जो है वो क्रीम ऐड की है थोड़ी सी प्रेजेंटेशन के लिए, और वैसे भी खाने में भी अच्छी लगती है। हमारे पोटैटो स्किन्स भी तैयार है, गरम गरम है, इफ्तारी का टाइम भी होने ही वाला है। वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे, जल्दी जाके लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत सारा प्यार बरसाइएगा प्लीज बरसाइएगा। ये जितनी मेहनत हो रही है आप सबके लिए हो रही है, बिकॉज मैं चाहती हूँ अपने फैंस को खुश रखना और ज्यादा से ज्यादा उनको अच्छा अच्छा कंटेंट देना ताकि वो पसंद करें। और कुकिंग एक ऐसी चीज है कि नॉर्मली हर घर में लोग रेसिपीज के लिए तरस रहे होते हैं कि अगर हम ये चीज अच्छी बनाते हैं, सामने वाले ने भी बनाई है, तो इसकी रेसिपी में क्या फर्क है, असल डिफरेंस लोग देखते हैं। तो आई होप कि हमारी रेसिपीज आप लोगों को पसंद आ रही होंगी, बहुत ही डिफरेंट है, लाइक जिस तरह हम बनाते हैं वही आप लोग से शेयर करते हैं। तो आप लोग प्लीज इंस्पायर हो और घर में जरूर बनाएं, ट्राई करें, घर वालों को खिलाएं और हमें फीडबैक जरूर दीजिए, क्योंकि हम बाकी वेट करें आप सबके फीडबैक का। सो प्लीज आई एम वेटिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, बाय बाय।